नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास। जो महाराष्ट्र की चुनाव का काउंटडाउन शुरू होता जा रहा है, त्यों चुनावी समर में अपना भाग्य जमाने वाले चेहरे जनता के सामने और बीच में आते जा रहे हैं। जी हां, सायन कोलीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से इस बार महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड इस सीट से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, और जिस तरह से उनका राजनीतिक सरूर हर दिन चढ़ता जा रहा है, उससे प्रतीत होता है कि वह इस सीट पर प्रबल दावेदार पार्टी से हो सकते हैं। हर दिन प्रसाद लाड की बढ़ती सक्रियता चर्चा का विषय बनी हुई है। बीते दिवस प्रसाद लाड व उनकी पत्नी नीता लाड ने विधानसभा क्षेत्र के एक ओर जहां वाल्मीकि नगर में अपनी विधायक निधि से भगवान महर्षि वाल्मीकि पुस्तकालय और वरिष्ठ नागरिक कट्टा की शुरुआत की, तो दूसरी ओर सायन कोलीवाड़ा के पंचायती गुरुद्वारों में आयोजित कीर्तन में भाग लिया, जहां उन्होंने गुरुद्वारा भवन में सार्वजनिक अस्पताल, एक पुस्तकालय व कैंसर मरीजों की रहने का देखरेख के लिए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान आमदार प्रसाद लाड व उनकी पत्नी श्रीमती नीता लाड के गुरुद्वारा समिति ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनके द्वारा गुरुद्वारे में की गई सेवा के लिए आभार प्रकट किया। आमदार प्रसाद लाड की राजनीतिक बढ़ती गतिविधियों से कोलीवाड़ा में उनकी या उनकी पत्नी नीता लाड के चुनाव मैदान में उतरने की कयास लगाए जाने लगे हैं। बहरहाल पार्टी भी उनकी राजनीतिक धरातल का भरपूर आकलन कर अलग अलग ढंग से सर्वे कराकर सीट पर दांव खेलने के मूड में है। यदि प्रसाद लाड या उनकी पत्नी नीता लाड इस सीट से टिकट पाते हैं तो विरोधियों को कड़ी टक्कर देने में सक्षम है, लेकिन अभी वर्तमान परिवेश में देखना यह है कि पार्टी किस पर अपना दांव खेलती है। यदि गुरुद्वारा के माध्यम से सभी मेरे भाइयों की मांग थी कि पंचायती गुरुद्वारा में एक डिस्पेंसरी खोली जाए, एक लाइब्रेरी बना जाए, उनके कार्यालय का भी काम अच्छी तरीके से हो और छत के ऊपर सोलर सिस्टम लगाई जाए ताकि कैंसर पेशेंटों की जो सेवा पंचायती गुरुद्वारा करती है उसमें उनको मदद मिल जाए। आज मैंने मेरे आमदार निधि के माध्यम से, इस राज्य की सरकार के माध्यम से, माननीय देवेंद्र जी के आशीर्वाद से इस पांचों गुरुद्वारा के रूम का, जहाँ पे भोग लगता है वो भोग की रूम होगी, कार्यालय होगा, मेडिकल की रूम होगी, वाचनालय होगा, ये सभी का आज नारियल फोड़ के मेरी पत्नी के साथ, नीता के साथ आकर इसका उद्घाटन किया है। एवी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती